एससी वर्मा के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 22 जो डायग्राम हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देना चाहूंगा ताकि हमें पता लग जाए कि क्वेश्चंस क्या है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। इन अ सिंपल एडवुड मशीन टू अनइक्वल मासेस M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, this one connected by a string going over a clamped light smooth pulley, और ये जो string है this one is going over the light smooth pulley. In a typical arrangement M1 is 300 gram, M1 is 300 gram and M2 is also given 600 gram. M1 and M2 both are given, one is 300 and other is 600 gram, right? The system is released from rest. System को आपने released किया है rest से, और तीन question यहाँ पे हमारे से put up किया गया है. Question number 1, find the distance traveled by the first block in the first 2 second. First block पहले 2 second में कितना distance cover करेगा? हालांकि जितना distance पहला ब्लॉक कवर करेगा नो डाउट, क्योंकि स्ट्रिंग जो है स्ट्रेचेबल नहीं है, इसलिए दूसरा ब्लॉक भी हमारा M2 भी सेम डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करेगा। नेक्स्ट है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, और थर्ड वन इज फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन अ पुली। तो क्लैंप के ये जो क्लैंप है इस पुली पे के इस क्लैंप पे यहां पे क्या फोर्स लग रहा होगा, ये तीन चीजें हमें यहां पे बतानी है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस पुली से रिलेटेड जितने भी हमारे 2 ब्लॉक हैं इस पे मैं डिस्कस कर लेना चाहूंगा आपसे। तो डिस्कशन क्या है कि देखिए, अभी शुरू में दोनों ही रेस्ट में है, क्वेश्चन में ही हमारे पास गिवन है कि दोनों रेस्ट में है, तो यहां पर मैं लिख देना चाहूंगा U=0 दोनों के लिए रेस्ट में है। लेकिन बात समझने वाली है कि अगर M2 मास हमारा 600 ग्राम का है और M1 कितना का है, 300 ग्राम का है, तो एक्सलेशन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ये बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाएगा, और जितने एक्सलेशन से ये नीचे की तरफ लेके जाएगा उतने ही एक्सलेशन से ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहां पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा M2G और यहां पे क्या लगना है, M1G। और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर सेम स्ट्रिंग तो सेम टेंशन, तो इसमें टेंशन किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर क्लैंप की बात करें, ये तो हमने इन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग की बात कर ली, अगर क्लैंप की बात कर लें तो क्लैंप को अगर यहां से देखा जाए तो ये अगर टेंशन इस पॉइंट पे, अगर टेंशन यहां पे टी लग रहा है तो क्लैंप भी नीचे की तरफ टेंशन टी लगा रहा होगा, ये जो पुली के साथ थ्रेड कनेक्टेड है इस तरफ थ्रेड टी लगा रहा होगा वन साइड का, उसी तरह से दूसरी तरफ का भी टेंशन थ्रेड के साथ टी लग रहा होगा। तो क्लैंप के साथ जो नेट टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ये दोनों टी के इक्वल होगा, मतलब 2T लग रहा होगा। इसका चाहे तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर मैं बना देता हूं, आप देखो ये क्लैंप है हमारा और इस क्लैंप में इस तरफ टेंशन टी दिख रहा है आपको, इस तरफ भी टी दिख रहा है, और ये टी दोनों मिलके इस तरफ ऊपर में 2T लगा रहा होगा। तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो हमारे पास, अगर क्लैंप के फोर्स की, क्लैंप पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात मैं जानना चाहूं, तो आप यहां पर कह सकते हो इस पूरे सिस्टम को देख के कि भाई ये 2T के इक्वल होगा, है ना। तो यहां पे हमें देखना होगा कि क्या इक्वेशन हो सकता है, जैसा कि हमने, मैंने आप लिंक में जाके अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने जो एक्सलेशन का फोर्स फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला एक्सलेशन का मैं यहां लिख रहा हूं। देखो आप, एक्सलेशन ए इक्वल टू, यहां पे M2 बड़ा है M1 से, तो M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी,
इस इक्वेशन को निकालने के लिए मैंने अपने वीडियो में बताया है कि इस फॉर्मूला को हमने कैसे डिराइव किया है, कैसे निकाला है, तो आप चाहें तो वहां पे भी आप जाके इसको निकाल सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। M2 कितना है, तो ये 600 ग्राम है, 600 ग्राम को आप ग्राम में बदल, केजी में बदल दो, तो 0.6 माइनस M1 0.3 अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब 0.9 और इनटू 9.8। ये यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 बाय 0.9 इनटू 9.8 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9। दैट मींस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई आपके यहां पे a इक्वल टू 9.8 अपॉन 3, ठीक है, 3 3 9 एंड देन 3 2 6 एंड देन 3 6 18, 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने का आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है। अब एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया, तो एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास टेंशन कितना आएगा वो देखेंगे, क्योंकि इस स्ट्रिंग में, दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए अगर हम टेंशन निकालें तो हमारे पास वो चीज मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने डेरिवेशन में बताया भी है, टेंशन का फॉर्मूला जी 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू जी, ये टेंशन का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में अगर हम रख दें तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 0.3 × 0.6 अपॉन ये 0.9 × 9.8, डेसिमल हटा देता हूं मैं, देन 3 3 9, ठीक है, इसका डेसिमल अगर आप हटाते हो यहाँ पे तो बाय 10 दे दो, एंड देन 3 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 9.8 अपॉन 10, इतना। और टेंशन की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन में, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या वैल्यू ये आती है, दिख जाएगा आपको 8 4 32, देन 9 4 36, 36 एंड देन 3 39 एंड 3.92, क्योंकि डेसिमल हमें दो डिजिट के बाद पुट करनी होगी, 3.92 न्यूटन की वैल्यू आ रही है। तो ये जो 3.92 की वैल्यू है, ये हमारे पास टेंशन आ गया। तो आप बता सकते हो कि जैसे कि हमारे पास पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन हमारे पास 3.92 का आ गया। लेकिन अगर हमारे पास जैसे पूछा गया क्लैंप में क्या है, थर्ड वाले में फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप, तो क्लैंप जो है वो 2T का अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये बी वाला पार्ट है आपका, एंड देन सी वाले पार्ट में आप अगर क्लैंप की बात कर लें, फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप इक्वल टू 2T, दैट मींस 2 × 3.92, तो मैं लिख देता हूं 2 × 3.92, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 एंड 9 2 18 एंड 2 3 6 एंड 7.84 न्यूटन। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहां पे 7.84 न्यूटन की वैल्यू आपको यहां पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास, हमारे से जो पूछा गया पहला क्वेश्चन अभी हमारा रह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट टू सेकेंड में ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया है।
तो ब्लॉक ने जो डिस्टेंस कवर किया है, अगर मैं नीचे इसको क्लीन कर दूं तो इस पे यहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा, देखते हैं। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल के लिए फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहां पे जैसा कि मैंने बताया था आपको, इनिशियली जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है, और जब ब्लॉक रेस्ट में है तो यू जीरो हो जाना है, तो एस इक्वल टू हाफ ए, एक्सलेशन जो है आपका निकल गया है 9.8/3 कह सकते हो, मतलब 3.26 इंटू टाइम जो है 2 का स्क्वायर। तो यहां से हाफ ए टी स्क्वायर 2 सेकेंड के लिए, इसको एक 2 कैंसिल कर दो, तो दैट मीन 3.26 इंटू 2 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 2 2 4 15 एंड 3 2 6, 6.52 मीटर। इतने मीटर का ये डिस्टेंस कवर करेगा, 6.5253 लगभग इतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस के लिए आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 22 जो एसी उर्मा का है, ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखना और अपने कमेंट्स को भी इसमें आप हमारे चैनल पे आप जरूर इसमें आप मेंशन करना। थैंक यू सो मच।